राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ रितु में स्वागत है। तो भी नए घर में हमने जो कन्या है वो बिठा दी थी और खाना पीना करके हम आ गए थे पुराने घर में, क्योंकि ट्रैक्टर आया हुआ था, दुकान पर से सामान आया था। तो फिर अमित बोला कि भाई फिर कल ना फिर लेके आना पड़ेगा, तो आज जो सामान है ना वो खाली कर दो, बेड अलमारी पेटी बस सामान रख दियो गठड़िया में बांध बांध के, बाकी हम अपने आप उठा लेवांगे। तो मैं और कविता आ गई थी यहाँ पे, ज्योति वहाँ पे रह गई थी। भाई जो भी आवेगा, और जैसे एक ना तो रहना ही पड़ा है वहाँ पे, भी छोरी भी उठ जाए, दूध दाद पियाना पड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो बेड है वो खाली करांगे, और गठड़ी बांध दी थी हमने सारा सामान की, बेड अलमारी पेटी मत निकाल के। फिर अमित और दो तीन लड़के और आ गए थे, उन्होंने जो सारा सामान है वो ट्रैक्टर में 3-4 चक्रा में सामान गया था। तो काम बहुत ज़्यादा फैल गया था उस दिन, क्योंकि सारा सामान एक दिन में ढोना, और फिर वो थोड़ा बहुत तो सेट भी करना था, साफ़ सफाई भी करनी थी, क्योंकि मोटी मोटी सी जो साफ़ सफाई है ना वो ही हुई थी, सही तो रह रही थी, मतलब जिसमें टाइम लगना था। कमरा और एक जो रसोई है वो ही साफ़ हुई थी पहले तो अच्छी तरह, तो बाद में सारा धीरे धीरे कराया है एक एक करके। तो ये अपने जो सामान है वो खाली करके और सारा सामान यहाँ तक ले गए थे। उस टाइम तक 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और भैया आप सबके भी कमेंट आए जावे कि व्लॉग डेली डाला करो, क्यों नहीं डालते? तो भाई की एक काम में इतना फैल रहा है, और एक की है अगर फुर्सत लाग है तो मिस्त्री इतने लाग रहे हैं हर जगह खटपट खटपट, तो वॉइस ओवर करण का ये जगह को नहीं पाती कितने भी। एक दिन तो मैं पुराने घर में गई स्पेशल वॉइस ओवर के लिए, और या फिर सुबह शाम के टाइम पर थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है, भाई सुबह अपना उठ के छत पर जाके वॉइस ओवर कर लेवा। बाकी तो सारा दिन कहीं जनरेटर चलेगा, कहीं कोई मशीन चल रही है, कहीं कोई, क्योंकि सारे लगे हुए ना इस टाइम पे, भाई ग्रिल वाले भी हैं, शीशे वाले भी हैं, खिड़की होगी और टाइल वाले भी लग रहे हैं, तो सारा ही काम इकट्ठा चल रहा है इस करके। और इव आ गए थे हम घर, सामान सारा उठा लिया यहाँ, सेट तो फिर करांगे शाम के टाइम पे, क्योंकि इवे जो कमरे हैं उनकी सफाई करनी है। एक कमरे में सफाई करके अपना जो बेड है वो लगा देंगे, और फिर स्टोर की सफाई करके कल ना जो बेड पेटी में है, टंकी है, वो जो सारा सामान है वो वहाँ पे रख देंगे। और पहले तो राखी मैंने इस करके को नहीं बंधवाई थी, मैं सारे इकट्ठे बैठ के और आराम से बांध देंगे उसे टाइम पे, अपने बांध देवेगी राधे भी, वरना मेरी माँ तो 12 बजे लगी थी कहने कि हम जावा हाँ लेट हो जावांगे, जावा हम खम्मा रुक जाओ। और इब हम लेट आए थे तो 3 बज गए थे इस टाइम पे, फिर मैं कहा बेटा नू कर तो अपने बांध के राखी और चले जाओ, लेट हो जाओगे क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है, और आज वैसे भी रक्षाबंधन थी तो भीड़ भी पावेगी वसा में इस करके। तो फिर आराध्या पर तो मैंने बंधवा दी थी, और हम तो इवे नाए भी नहीं थे, सामान भी रह रहा था सेट करना, तो फिर मैं काम तो बहुत लेट हो जाऊंगी, हमने तो शाम के टाइम पे बांध दी थी, अंधेरा हो गया था उस टाइम पे। तो इब जगह तो बांध दी है, इब मोनू को और बांध देवेगी, और मैं कह रही थी मैं कहा माँ आप तो आज हुए आए, क्योंकि एक मिनट भी बैठन की बोलन की फुर्सत को नहीं लागे किसी ने, बस नुए लागे रहे सारे इधर तो उधर, पूरा दिन इसी तरह तो चला गया अभी जी। तो जय के राखी बांध दी है, मोनू का भी बंध गई है, और जय का के था 3-4 दिन हो गए थे रोंदे ने, हर रोज़ आराध्या ने याद करके रोया करता रात के टाइम पे। तो फिर कुछ तो मेरी माँ इस करके भी आई भी साथ में ले आवेंगे जय ने, और मेरा भी नू था अगर वो जावेगा ना तो इसने भेज देंगे, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में भी चला जाएगा, और एक यहाँ पर सारा दिन मिस्त्रियों का दौरा खड़ा रहा है, कसी उठाएँ किसी टाइम कुछ किसी टाइम कुछ, बस सारा दिन। और आज बिल्कुल मना कर गया कि भाई नहीं मनने नहीं जाना, नाम लेंदे भी रोया था कि भाई कहवा थे ना दादी के साथ चला जाइए, तो रोना शुरू कर दे था, क्योंकि आज तो इसने और मज़ा आ रहा था सामान नून पे नून लैंड में, बहुत मज़ा आ रहा है इसने भाई, जैसे शिफ्टिंग कराना उस टाइम पर सामान ढोड़ में या फिर कुछ और करने में इतने चक्कर ला दे ये खुद भी। तो ये मेरी माँ और आराध्या तो चली गई है, मैं तो रसगुल्ला का लेगी थी बहन दी एक भी को नहीं धर दो, अगला साल काम आ जाएंगी देसी देसी घी के लड्डू थे मैंने सोचा ही, और रसगुल्ला ना डिब्बा है, मैं तो जान तो लेगी थी, कोई नहीं के बात होगी फिर गलती से आ रहे कि मैं तो आम सुतरी और कि मैं तो मैं सत पतले लाइट तस दी भाई आहो जमा सुतरे हो गए जमा हम तो कह दिन हो गए बिना मत तो जमा सुतरे हो गए जावांगे बट रंगीन हो रहा है आ फिर मैं रंगीन खड़े हो गए
उन्हें भी लिया पहुंची तो उनका भी बांधनी है, कुर्सी पे बिठा लो। क्या तेरे छोरी भी बांधेगी, जय रे या मोनू रे या उसके बंधेंगी, उसकी माँ का बंधेंगी। तो सच्चे बोले हैं, ऐसी बात कराया करे हैं। मुझे 30 साल की हो गई, इतना ही है। इसी को लेकर आप चिंता की
खाना
सब्जी खा ली सारी बिना मिर्चा में बनाए दिए पानी ना दे दिए मिर्चा ना दे रही खाई लो ना बतनी क्या ना बैठी हो तुम ठाए लो नहीं ने काओ कर देंगे ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे और से